उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल के अंदर देर रात्रि को एक हादसा हुआ है, जिसमें बारातियों से भरी हुई बस लगभग 500 मीटर गहरी खाई के अंदर गिरती हुई नजर आई है। और इसी दरमियान आप सभी को बता दें कि वहां पर बस के अंदर लगभग 50 लोग मौजूद थे, जिसमें से 25 लोगों की मौत इसमें होना सामने आया है और साथ ही साथ अन्य कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन आंकड़ा 25 को छूता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ में वहां पे स्थानीय लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके खाई के अंदर उतरे और लोगों के रेस्क्यू को भी किया, लेकिन प्रशासन 2 घंटे बाद में वहां पे पहुंचा और उन्होंने भी सहायता करी है। लेकिन ये हादसा इतना दर्दनाक था कि आप सभी को बता दें कि लोगों के टुकड़े तक होते हुए नजर आए हैं, एक टुकड़ा कहीं और तो दूसरा टुकड़ा कहीं और नजर आ रहा। अब पूरे हादसे की जांच की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी इसके अंतर्गत क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। 500 फीट गहरी खाई, 50 भारतीयों से भरी बस गिरने की सूचना। अब चुनौती थी कि इनके रेस्क्यू कैसे हो। अंधेरा और मुश्किल पहाड़ी इलाका, ऊपर से गहरी खाई में खुद के गिर जाने का डर, लेकिन पौड़ी गढ़वाल के लोगों ने इस डर को मार दिया। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू टीम से 2 कदम आगे निकलते हुए रोल निभाया, जिसके बिना जिंदगियां बचाना मुश्किल था। हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, लेकिन 21 जानें बचाई गई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मंगलवार की रात एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। ये बस 50 भारतीयों को लेकर के हरिद्वार के लालगढ़ से काड़ा गांव जा रही थी। सिमड़ी गांव के पास ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। रात का वक्त था, गहरी खाई और मुश्किल पहाड़ी हालात थे, बारातियों के रेस्क्यू में यही बड़ी चुनौती थी। लेकिन रेस्क्यू टीम से पहले स्थानीय लोग पहले ही घटनास्थल पर पहुंचे और इन्हें इलाके की भी जानकारी थी, पर गहरी खाई का डर भी था। लेकिन मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके ये बारातियों को ढूंढते रहे। SDRF की टीम हादसे के करीब 2 घंटे के बाद मौके पर पहुंच पाई। इससे पहले स्थानीय लोग और पुलिस 9 लोगों को बचा चुकी थी और एक चश्मदीद ने बताया कि जब हमने मोबाइल की लाइट में बारातियों को खोजना शुरू किया तो कुछ शव ऐसे दिखे जो कई टुकड़ों में बट चुके थे। कई घायल भी थे जिन्हें वक्त पर इलाज मिल गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।